हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस सेट 9.2 देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जॉन सोल्ड थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर अ पब्लिशर फॉर धीसिव फिफ्टीन परसेंट कमीशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑप्टेन देखो यहाँ पे जॉन ने जो बुक थे वो कितने रूपीज को सोल्ड किए फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रूपीज को तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक तो यहाँ पे हमें जो प्राइस है यहाँ पे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो राइट डाउन करनी होगी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और इस पे फॉर दिस दिसीव फिफ्टीन परसेंट कमीशन यानी रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है फिफ्टीन परसेंट दिया है इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे फिफ्टीन परसेंट इसके बाद कमीशन ऑप्टेंट अभी उसको एक्चुअल कमीशन कितना ऑप्टेंट हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है तो कमीशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे फिफ्टीन परसेंट है इसका मतलब हुआ फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड इन टू अभी उसने कितने रूपीज को सेल किया था फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस होता है इसलिए मल्टीप्लाई बाय फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे टू जीरो कट टू जीरो कट तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फाइव दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा कमीशन मिल गया मिल जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर मिल गया हमें यहाँ पे सिक्स थाउजेंड सेवेंटी फाइव रूपीज इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर सेकंड रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रूपीज फिफ्टीन द एजेंट फाइंड द कमीशन ही पेड फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय रफीक यहाँ पे रफीक ने फ्लावर सोल्ड किए थे फिफ्टीन थाउजेंड रूपीज को और उसने फोर परसेंट कमीशन दिया था एजेंट को फाइंड द कमीशन ही पेड उसने कितने रूपीज का कमीशन दिया वो हमें फाइंड आउट करना है और उसको कितने रूपीज की अमाउंट रिसीव हो गई उसको वो हमें फाइंड आउट करना है सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दी गई है सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है बच्चों फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में हम हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस राइट डाउन करनी है फिफ्टीन थाउजेंड रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज की क्या है सेलिंग प्राइस है यहाँ पे रूपीज राइट डाउन करेंगे कमीशन मिला था यानी कमीशन दिया था फोर एजेंट को तो हमें एक्चुअल यहाँ पे परसेंटेज में कमीशन दिया है तो हमें ओनली कमीशन फाइंड आउट करना है तो कमीशन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस तो कितने परसेंट का कमीशन दिया था फोर परसेंट का तो उसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं फोर अपॉन हंड्रेड इस प्रकार से इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है सेलिंग प्राइस है फिफ्टीन थाउजेंड तो यहाँ पे टू जीरो है टू जीरो कैंसल टू जीरो कैंसिल दोनों साइड के टू टू जीरो कैंसल कर दिए हमने इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई वन फिफ्टी करना है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पेड्रेड रुपीज अभीउंट मिल गई है हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट रिसीव बाय रफिक इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन तो सेलिंग प्राइस कितनी थी कितने रूपीज को सेल uh, किया था फिफ्टीन थाउजेंड रूपीज को इसलिए फिफ्टीन थाउजेंड माइनस कमीशन कितना मिला था उसको कमीशन मिला था सिक्स हंड्रेड रुपीज दोनों की सब्रैक्शन की तो आंसर मिल गया हमें फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज अभी दोन दो वैल्यू दो हमने फाइंड आउट की फर्स्टली हमें कमीशन मिल गया सिक्स हंड्रेड रुपीज का और अमाउंट रिसीव बाय रफिक इज फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इसलिए यहां पे रेड डाउन करेंगे देआर फोर कमीशन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड रुपीज अमाउंट इक्वल टू फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया थर्ड क्वेश्चन देखते हैं देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड रूपीज थ्रू एन एजेंट एक फार्मर ने क्या किया उसके जो पास जो फूड ग्रेन थे वो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज को सोल्ड किए एक एजेंट के थ्रू रेट ऑफ कमीशन वॉज टू परसेंट तो उस एजेंट ने क्या बोला कि मैं ये कर देता हूं, लेकिन मुझे कितने का चाहिए? 2 का. उस एजेंट को कितनी अमाउंट मिली वो हमें फाइंड आउट करना है सोल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस क्या रेट डाउन की है सेलिंग प्राइस फूड ग्रेन की नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड रूपीज उसको कमीशन कितने परसेंट का मिला था टू परसेंट का कमीशन परसेंटेज में दिया है ओनली हमें कमीशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला राइट डाउन किया परसेंटेज ऑफ कमीशन इंटू सेलिंग प्राइस तो कितने परसेंटेज कमीशन था टू परसेंट इसलिए प्राइस थी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पे टू जीरो कैंसल टू जीरो कैंसल टू मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी टू दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन तो आंसर मिल गया वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर रूपीज दे द एजेंट गेट एजेंट गॉट वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर रुपीज कमीशन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने सॉल्व किया क्वेश्चन फोर देखते उमा उमाताई परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द खादी भंडार फर्स्ट है थ्री साड़ीज़ फॉर फाइव सिक्सटी रूपीज इच सेकंड सिक्स बॉटल्स ऑफ हनी फॉर नाइन्टी रुपीज ईच ऑन द परचेज शी रिसीव अ रिबेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट हाउ मच टोटल अमाउंट डीड उमाताई पे यहाँ पे उमा ताई ने कुछ आइटम्स परचेस किए हैं खादी भंडार से उसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट था साड़ी तो उन्होंने थ्री साड़ीज ली ले है लेकिन एक साड़ी की जो प्राइस है वो कितनी है फाइव सिक्सटी रूपीज ईच यानी एक साड़ी की प्राइस है फाइव सिक्सटी रूपीज नेक्स्ट है सिक्स बॉटल ऑफ हनी फॉर नाइन्टी रुपीज ईच यानी एक बॉटल जो है हनी की उसकी प्राइस है नाइन्टी रुपीज वैसे सिक्स बॉटल लिए है तो पहले हमें इसकी कॉस्ट निकालनी होगी सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन सारी टू फाइव हंड्रेड एंड सिक्स इक्वल टू फाइव सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई थ्री दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें थ्री जीरो हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज ये थ्री सारीज की कॉस्ट गई उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन बॉटल ऑफ हनी इक्वल टू यानी रुपीजी रुपीज की एक बॉटल है हनी की तो उन्होंने कितने बॉटल लिए थे हनी के सिक्स बॉटल इसलिए सिक्स बॉटल ऑफ हनी की प्राइस फाइंड आउट करेंगे नाइनटी मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो नाइन सिक्स फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज ये दोनों प्रोडक्ट उन्हें परचेज किए तो टोटल कॉस्ट उनको कितनी पेड करनी होगी देयर फोर टोटल कॉस्ट इक्वल टू वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी प्लस फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी दोनों की करेंगे एडिशन तो आंसर मिल गया टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रूपीज इतने रूपीज का उन्होंने ये जो आइटम्स वो परचेस किए अभी उनको उसपे ट्वेल्व परसेंट का रिबेट मिला रिबेट क्या होता है बच्चों रिबेट एक प्रकार का डिस्काउंट ही है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला था रिबेट मिला था ट्वेल्व परसेंट का तो ये हो गया ट्वेल्व परसेंट यानी हंड्रेड रुपीज पे ट्वेल्व रुपीज इस प्रकार से है ट्वेल्व परसेंट तो एक्चुअल रिबेट कितना मिला ये तो परसेंटेज में ही तो इसलिए एक्चुअल रिबेट फाइंड आउट करेंगे रिबेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है यानी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिबेट रेट ऑफ रिबेट तो कॉस्ट थी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज इंटू रेट ऑफ रिबेट क्या है ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट का मतलब क्या होगा ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड तो यहाँ पर जीरो जीरो है वो कैंसिल करेंगे जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल तो इक्वल टू अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12, 24, टू जै ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर रुपीज ये क्या मिल गया हमें रिबेट मिल गया रिबेट मिल गया तो रिबेट कितने रूपीज का लग गया है टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर रुपीज का तो अभी उसको एक्चुअल अमाउंट कितनी पेड करनी होगी अमाउंट पेड इक्वल टू अभी उसको टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट तो टोटल कॉस्ट थी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी रूपीज उसमें से ये जो रिबेट है डिस्काउंट मिला था टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर रुपीज का वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो आंसर मिल गया वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी रुपीज इसलिए राइट डाउन करेंगे Therefore, उमा ताई पेड हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री रूपीज इस प्रकार के अमाउंट उमा ताई उस खादी भंडार को पेड करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फील इन द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स श्रीमती दीपांजलि परचेस अ हाउस फॉर सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम श्रीमती लीला बेन थ्रू एन एजेंट एजेंट बोथ ऑफ अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है ये जो दीपांजलि ने एक होम या हाउस परचेस किया लीला बेन से अभी उन्होंने सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड का जो हाउस परचेस किया था उसपे टू परसेंट का ब्रोकरेज चार्ज था यानी दीपांजलि को भी टू परसेंट का ब्रोकरेज देना होगा और लीला बेन को भी टू परसेंट का ब्रोकरेज देना होगा इस प्रकार से दोनों को ब्रोकरेज जो है वो सेम लगने वाला है इसलिए श्रीमती दीपांजलि पेड अभी दीपांजलि कितना ब्रोकरेज पेड करेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है तो उसका जो हाउस था उसके हाउस की प्राइस थी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड वो उसके हाउस की प्राइस है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू कितने परसेंट का ब्रोकरेज है टू अपॉन हंड्रेड टू परसेंट यानी टू अपॉन हंड्रेड तो यहाँ पे टू जीरो कैंसल टू जीरो कैंसल सेवन फाइव जीरो जीरो इंटू टू क्या तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड क्या लग जाएगा ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग द हाउस यानी यदि दीपांजलि को यह हाउस परचेस करना है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड का तो उसको एजेंट को फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ब्रोकरेज देना होगा श्रीमती लीला बेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रूपीज यदि दीपांजलि फिफ्टीन थाउजेंड का ब्रोकरेज पेड कर रही है तो लीला बेन भी कितने थाउजेंड का करेगी फिफ्टीन थाउजेंड का ही सेम ब्रोकरेज पेड करेगी क्योंकि दोनों को जो ब्रोकरेज लगना है वो सेम लग रहा है टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय द एजेंट अभी एजेंट जो है उसको दोनों साइड से ब्रोकरेज मिल रहा है यानी दीपांजलि भी उसको टू परसेंट का ब्रोकरेज दे रही है और लीला बेन भी उसको दो परसेंट का ब्रोकरेज दे रही है इसलिए यहाँ पे दीपांजलि दे रही है फिफ्टीन थाउजेंड और लीला बेन भी दे रही है तो दोनों मिला के उसको टोटल ब्रोकरेज कितना मिल रहा है दोनों की यदि हम एडिशन करते हैं प्लस तो यहाँ पे आंसर मिल जाता है हमें थर्टी थाउजेंड रूपीज का उसको टोटल ब्रोकरेज मिल रहा है द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रूपीज देखो अभी दीपांजलि ने हाउस परचेस किया सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड का और उसमें उसमें फिफ्टी थाउजेंड का सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड का ब्रोकरेज पेड किया तो सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस ये फिफ्टीन थाउजेंड की क्या किया हमने एडिशन तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड पेड करने होंगे दीपांजलि को उस कॉस्ट ऑफ हाउस के लिए सिक्स लैख सिक्स थाउजेंड रुपीज ये पेड करने होंगे दीपांजलि को कॉस्ट ऑफ हाउस के द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फ्रॉम लीला बेन इज रूपीज तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे हाउस की प्राइस कितनी है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो उसमें सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड में से, से लीला बेन को भी ब्रोकरेज पेड करना होगा इसलिए उसके सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का जो होम था या हाउस था उसमें से उसमें से फिफ्टीन थाउजेंड ब्रोकरेज पेड किया इसलिए उसके रूपीज माइनस हो जाएंगे क्योंकि लीला बेन का जो होम है हाउस है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का है उसको ये इतने मिलने वाले थे लेकिन उसने क्या किया फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ब्रोकरेज को दिए इसलिए ये रुपीस उसके माइनस हो जाएंगे इसलिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी हाउस की सेवन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ये उसको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी उस हाउस की इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 9.2 देखा यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो